बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हाउ टू रीड एनी नंबर इन इंग्लिश और बिग नंबर इन इंग्लिश, कि हम बड़े से बड़े नंबर को और बड़ी से बड़ी अमाउंट को किस तरह से रीड कर सकते हैं और किस तरह से उसको फिगर में लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ऑलमोस्ट 6 एग्जांपल्स हैं। मैंने फर्स्ट एग्जांपल में कम डिजिट लिए हैं, सेकेंड में मैंने दो नंबर डिजिट इंक्रीज़ कर दिए, इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स में मैंने 3-3 डिजिट इंक्रीज़ करके बड़ी से बड़ी अमाउंट लिखी है। हम इस अमाउंट को पढ़ने का बेसिकली फार्मूला समझेंगे आज, कि हम बड़ी से बड़ी अमाउंट को किस तरह से रीड करेंगे। रीड को बड़ी से बड़ी अमाउंट को लिखने के लिए या रीड करने के लिए हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कॉमास किस तरह से लगाने पड़ेंगे, लेफ़्ट साइड से हमने पढ़ना स्टार्ट करना, राइट से पढ़ना स्टार्ट करना है, लेफ़्ट से कॉमा लगाने या राइट से कॉमा लगाने, ये सारे फार्मूलाज आज हम देखेंगे। ये सारी लिस्ट थी एग्जांपल्स की। अब हम बेसिकली फार्मूला पे आते हैं कि हमने किस फार्मूला के अकॉर्डिंग बड़ी से बड़ी अमाउंट को पढ़ना स्टार्ट करना है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1000, सेकेंड नंबर है मिलियन, थर्ड नंबर है बिलियन एंड फोर्थ नंबर है ट्रिलियन। फर्स्ट नंबर है 1000, सेकंड मिलियन, थर्ड बिलियन एंड फोर्थ ट्रिलियन। इन फोर नंबर के बाद हमें स्मॉल डिजिट को रीड करना आना चाहिए, कि स्मॉल नंबर, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर को किस तरह से रीड करते हैं। मैंने इनकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जस्ट लाइक इट इज़ 6, इट इज़ 3, इट इज़ 9, इट इज़ 46, इट इज़ 66, इट इज़ 10, इट इज़ 876, इट इज़ 67, इट इज़ 101, इट इज़ 750, इट इज़ 222, इट इज़ 286। फर्स्ट हमने क्या देखा, फोर नंबर 1000, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। सेकेंड क्या, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर को हमने पढ़ना सीखा, कि 1 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर क्या है एंड 3 डिजिट नंबर क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर लेट्स सपोज थर्ड रो है, इस सारी रो को मैं कंपाइल करके लिखूं और मैं कहूँ कि सारी अमाउंट को किस तरह से रीड करेंगे, तो बेसिकली इस अमाउंट को पढ़ने के लिए इस फार्मूला को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या आपके पास, फार्मूला है जस्ट लाइक हमारे पास है 530, स्मॉल से स्मॉल नंबर हमारे पास क्या है 530। हम इसको किस तरह से देखेंगे, 530, 243, 306, 676, यहाँ पे नंबर एंड हो गया है, तो बस ठीक है। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, 999, 999, 999, 999, 999, 999. थर्ड एग्जांपल भी 890, 240, 81, 370, 250. अब हमने स्मॉल से स्मॉल नंबर को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना सीखा, अब हम किस तरह से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाना हमें, हम हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से कैसे स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड कॉमा। सेकेंड एग्जांपल में भी हमने इसी तरह देखा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड कॉमा। हमने कॉमा किस साइड से लगाना स्टार्ट किया, राइट साइड से, और कितने नंबर के बाद कॉमा लगाया, 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे चूँकि नंबर एंड्स हो रहे हैं, यहाँ पे हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। जैसे थर्ड एग्जांपल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब यहाँ पे नंबर एंड्स हो रहे हैं, यहाँ पे हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। अब कॉमे के बाद हम कौन सा कॉमा हमारे पास 1000 का है, कौन सा मिलियन का है, कौन सा बिलियन का है, कौन सा ट्रिलियन का है, इसको हम पढ़ना सीखेंगे। देखें, फर्स्ट कॉमा आपके पास क्या, 1000, सेकंड कॉमा मिलियन एंड थर्ड कॉमा बिलियन। हमने 1000, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन हमेशा
किस साइड से स्टार्ट करना है, हमने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे पास ये अमाउंट है 826, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करती हूँ 649, 64, 157, 687, 826। फर्स्ट हमने जो फोर्थ नंबर हमने रीड किए हुए थे, फर्स्ट आपके पास क्या है 1000, सेकेंड बिलियन, थर्ड बिलियन एंड फोर्थ ट्रिलियन। अब फर्स्ट कॉमा हमने इधर से स्टार्ट किया 1000 का, सेकेंड हमारे पास मिलियन, थर्ड आपके पास बिलियन एंड फोर्थ ट्रिलियन। इस अमाउंट को किस तरह से रीड आउट करेंगे, 600, 649, 64, 157, 687, 1000 and 26।